हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम मैथमेटिक्स में शुरू करेंगे पॉलीनोमियल। ठीक है बच्चों। सो पॉलीनोमियल इज आर सेकेंड चैप्टर, करेक्ट। सो यू नो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल। बच्चों देखिए, ये हमारा वीडियो क्लास है, तो इसमें क्या है, हम मैं बेसिक चीज़ ही कवर करूँगा, ज़्यादा विस्तार से मैं नहीं जाऊँगा। तो जब मेरा क्लास शुरू होगा देन वी विल गेट इन टू द टॉपिक इन ए वेरी इन डेप्थ मैनर, करेक्ट। आपका टाइम घर में वेस्ट नहीं होना है, इसीलिए मैं क्लास ले रहा हूँ, और जो भी बेसिक बेसिक चीज़ है वही हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। तो समझो मैं जो बोल रहा हूँ 50% ही है, और बाकी 50% क्लास में अच्छी तरह से मैं कवर करूँगा, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पॉलीनोमियल बेसिकली आपके सिलेबस में तीन तरह का पॉलीनोमियल है। वन इज लीनियर पॉलीनोमियल, नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, एंड थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलीनोमियल। ठीक है बच्चों, इफ यू सी द जनरल वर्जन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, इट इज पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इफ यू सी डिग्री, डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज वन बिकॉज द पावर ऑफ एक्स इज वन, यू नो। तो व्हाट इज डिग्री बच्चों? डिग्री याद रखिए, डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ये है बच्चों डिग्री। सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, जैसे पी ऑफ एक्स है आपका एक्स टू द पावर ऑफ 20 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 10 प्लस 3x^2। तो देखिए बच्चों, ये तीनों डिग्री में पावर्स में सबसे जो बड़ा पावर है वो है 20, तो 20 को बोलेंगे डिग्री। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। सो फिलहाल बच्चे दिमाग में इतने रखिए, डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। और बच्चों इन लीनियर पॉलिनोमियल ए कैन नॉट बी जीरो, कीप दिस इन द माइंड, बिकॉज इफ ए इज बिकमिंग जीरो दिस एंटायर टर्म विल बिकम जीरो, ओके। सो देन दिस विल नो मोर बी ए लीनियर पॉलिनोमियल, तब बच्चों ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ठीक है। बी कैन बी जीरो, बी कैन बी जीरो, बिकॉज अगर बी जीरो हो जाता है सो दिस विल गो ऑफ, स्टिल यू आर हैविंग ए एक्स, सो स्टिल दिस इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। सो ए एक्स प्लस बी, दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल। तो बच्चों अब डिग्री भी बेसिक लेवल में क्लियर हो गया, डिग्री इज व्हाट? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। नाउ लेट मी गिव यू सम एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो बच्चों फर्स्ट एग्जांपल है, आई कैन से पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x+3, क्लियर। तो इन दिस एग्जांपल व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी? ए इज, कंपेयर कंपेयर दिस विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। सो हियर द कोफिशियंट ऑफ एक्स इज ए एंड हियर द कोफिशियंट ऑफ एक्स इज 2, सो आई कैन से दैट ए इज 2 एंड हियर द कॉन्स्टेंट इज बी एंड हियर द कॉन्स्टेंट इज 3, सो बी इज 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल पी ऑफ एक्स इक्वल टू, आई एम राइटिंग सिंपली -10x। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं है, स्टिल इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल बिकॉज वी हैव द डिग्री 1, करेक्ट। सो हियर आप इसको लिख सकते हो -10x+0। सो नाउ माई डियर स्टूडेंट, वॉट इज ए? ए इज -10 एंड वॉट इज बी? बी इज 0। इज इट क्लियर? तो ऐसे बच्चों मैंने दो एग्जाम्पल लिखा है लीनियर पॉलिनोमियल का, और बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4x+10, दिस इज अगेन लीनियर पॉलिनोमियल वेयर ए इज 4 एंड बी इज 10। आई कैन से -4x+20, दिस इज अगेन लीनियर पॉलिनोमियल
वेयर ए इज माइनस फोर एंड बी इज प्लस 20, साइन के साथ बोलिए, ठीक है बच्चों। सपोज आई एम रिमूविंग दिस 20, देन दिस इज ऑल्सो ए लीनियर पॉलिनोमियल वेयर ए इज माइनस फोर एंड बी इज जीरो, यहाँ बी नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये आपका हो गया लीनियर के बारे में। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक। तो बच्चों क्वाड्रेटिक का जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए कैनॉट बी ज़ीरो। क्योंकि बच्चे अगर ए ज़ीरो हो जाता है, जैसे मैंने बताया था, ये पूरा टर्म वैनिश हो जाएगा एंड योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बिकम लीनियर पॉलिनोमियल। सो माई डियर स्टूडेंट्स, वॉट ए कैनॉट बी ज़ीरो, आपका बी ज़ीरो हो सकता है और सी भी बेशक ज़ीरो हो सकता है, लेकिन ए ज़ीरो नहीं होना है, क्लियर। चलिए बच्चों अब मैं बात करता हूँ कुछ एग्जाम्पल का। तो फर्स्ट एग्जाम्पल पी ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स माइनस टू। तो बच्चों व्हाट इज ए हियर बताइए, ए इज थ्री, व्हाट इज बी, बी इज प्लस टेन, व्हाट इज सी, बोलिए सी क्या है, कमॉन कमॉन सामने देखिए सब, सी इज माइनस टू, क्लियर। और एक एग्जांपल देंगे बच्चों, पी ऑफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स। देखिए बच्चों यहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं है, यहाँ पे सी वाला पार्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं हो सकता है, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं टेन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस जीरो, क्लियर। तो व्हाट इज ए, ए इज टेन, व्हाट इज बी, बी इज फोर एंड व्हाट इज सी, सी इज जीरो, ठीक है बच्चों। नाउ और एक एग्जांपल देखिए, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे x वाला पार्ट भी नहीं है, कॉन्स्टेंट वाला पार्ट भी नहीं, केवल माइनस टेन एक्स स्क्वायर है। तो आप चाहे तो डायरेक्टली यू कैन राइट ए इज माइनस टेन, ए इज माइनस टेन एंड व्हाट इज बी, बी वाला पार्ट यहाँ पे नहीं है ज़ीरो, सी भी नहीं है ज़ीरो। सो जो पार्ट नहीं है बच्चों उसको ज़ीरो कर दीजिए, जो है उसको लिख दीजिए। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल इज व्हाट, तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिखा नहीं है, डिग्री। तो बताइए बच्चों व्हाट इज डिग्री हियर, डिग्री इज टू। नेक्स्ट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो माय डियर स्टूडेंट, क्यूबिक पॉलिनोमियल विल बी जनरल फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए कैनॉट बी ज़ीरो, बी सी डी ज़ीरो हो सकता है। क्यों बच्चों ए ज़ीरो नहीं हो सकता, बिकॉज इफ ए इज ज़ीरो देन दिस टर्म विल वैनिश एंड यू विल गेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो जो क्यूबिक है वो बन जाएगा क्वाड्रेटिक, इज इट क्लियर बच्चों। अब देखिए ए बी सी डी है, यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ ए बी है, ये सब क्या है, दीज ऑल आर रियल नंबर्स। आप ए बी सी डी की जगह पे कोई भी रियल नंबर्स लिख सकते हो, क्लियर है। चलिए और डिग्री मैंने बता दिया था, डिग्री इज द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ बच्चे बताइए एक्स का पावर वन है, एक्स का पावर टू, एक्स का पावर थ्री है। तो बच्चों विच इज द हाइएस्ट पावर, थ्री इज द हाइएस्ट पावर, सो यू कैन से डिग्री इज थ्री, isn't it? Okay. Now it's time for example. तो example में बच्चों p of x लिख देता हूँ मैं, 3x cube 2x square 10x plus 6. तो बच्चों बताइए what is a b c d here? A is 3, b is 2, c is 10, d is 6. 6 है ना, sign भी साथ में बोलेगा, प्लस थ्री प्लस टू प्लस टेन प्लस सिक्स। बच्चों पॉलिनोमियल चैप्टर में जब भी आप नंबर बोलते हो ट्राई टू से साइन अलोंग विद इट, इट विल अवॉइड लॉट ऑफ मिस्टेक्स, ठीक है बच्चों। चलिए अभी देखिए मैं अगर इसको रब कर दूं, स्टिल इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, अभी भी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बस यहाँ पे जो डी वाला पार्ट है वो हो गया जीरो, करेक्ट है ना। अगर मैं इसको रब कर दूं, स्टिल इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, बस यहाँ पे ए इज 3, b is plus 2, plus 3, and what is c? c बच्चों यहाँ पे नहीं है, right?
तो आप ऐसे लिख सकते हो जीरो एक्स सी जीरो, डी भी नहीं है बच्चों तो आप प्लस जीरो लिख के जीरो लिख सकते हो। नॉट नेसेसरी आपको ऐसे लिख के दिखाना है, अगर कोई भी टर्म नहीं है तो आप सीधा डायरेक्टली जीरो लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए अब मैं और एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स क्यूब। तो बच्चों ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आप बोलेंगे सर इतना छोटा सा, यस बिकॉज यहाँ पे एक्स क्यूब है बच्चों, तो यहाँ पे ए इज वॉट 10। अब बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर वाला नहीं है, एक्स नहीं है, कॉन्स्टेंट नहीं है, तो अब लिख देना बच्चों बी इज जीरो, सी इज जीरो, डी इज जीरो, क्लियर। तो बच्चों समझ में आ गया, तो ये तीन पॉलिनोमियल को आपको ये चैप्टर में पढ़ना है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। और लीनियर में बच्चों जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वेर ए कैनॉट बी जीरो, डिग्री इज वन, याद रखिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, डिग्री इज टू एंड ए कैनॉट बी जीरो। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, डिग्री इज थ्री वेर ए कैनॉट बी जीरो, ठीक है बच्चों। और देखिए ध्यान से, आपका ए इज कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी इज कोफिशियंट ऑफ एक्स, डी इज कॉन्स्टेंट। इसको बच्चों अच्छा से देख लीजिएगा, ए बी सी डी क्या है, यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे ए और बी है, ठीक है बच्चों। सो अभी हम लोग जो है इसको देखेंगे।